सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई यहाँ पे खड़ी अपनी एल्ट्रोज रेस एडिशन। भाई ये वाला जो एडिशन है ना यहाँ, ये अपना रेस एडिशन निकाला होगा टाटा वालों ने। तो रेस एडिशन के नाम पे देखो भाई यहाँ पे कॉस्मेटिक चेंज कर दिए गए। अब कॉस्मेटिक चेंज में क्या है कि यहाँ पे देखो अपना जो बोनेट है वो भाई ब्लैक कलर में दे दिया गया है, जो कि ग्लोसी ब्लैक में आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ अपना जो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब रेसर एडिशन की जो बैजिंग है ना वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ आपका यहाँ पे देखो अपने जो एलॉय व्हील है वो भी भाई ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है ना थोड़े से पतले टायर दे दिए गए हैं। तो इसकी जो प्रोफाइल है भाई 205/50/16 इंच के टायर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर भाई ORVM भी आपको जो है ना, मतलब सारी की सारी जितने भी क्रोम चीज़ होती है ना सबकी सब डी क्रोम कर दी गई है, ब्लैक कलर में दे दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ORVM भी आपको ग्लोसी ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा। फेंडर पे भाई वही वाला इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर जो है ना फेंडर पे नहीं होना चाहिए भाई, ये थोड़ा सा अजीब देखने के लिए लगता है। हालांकि आप अंदर से देखो तो अंदर से आपको स्टीयरिंग जो है ना वो लेदर रैप देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ इसमें आपकी डिस्प्ले जो है ना वो चेंज कर दी गई है, इस पर थोड़ी सी वाइड लगा दी गई है। अपना स्पीड देखो 6 स्पीड का गेयरबॉक्स इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें आप जो 6 स्पीड का गेयरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा और साथ ही इकोनॉमी और सिटी मोड का जो इसमें बटन है वो आपको देखने के लिए मिलता ही है, तो वो तो नॉर्मल ही है। अब जो इसकी डिस्प्ले है ना भाई वो भी इसमें डिजिटली दे दी गई है, एनालॉग वाली डिस्प्ले इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। उसी के साथ अगर आप यहाँ बात करोगे बैक प्रोफाइल में, तो यहाँ पे ऐसे कुछ इसमें आपको बैक प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी। अब देखो भाई कुछ तो थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें देखने के लिए लगता है, वो क्या है कि एल्ट्रोज का लोगो थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है। रियर वाइपर और साथ ही डिम फोकर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही शार्क फिन एंटीना भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पॉइलर जो है ना इसका काफ़ी ज़्यादा बाहर निकाल दिया है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन लग रही है। और भाई ये जो है ना, मतलब इसमें पार्किंग सेंसर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही कैमरा भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बूट स्पेस वगैरह ऑप्शन में सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूल लाइट यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रेड कलर के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा कैबिन है ना वो ऑल ब्लैक में देखने के लिए मिल रहा है। मेन चीज़ में क्या बेस्ट लगी मेरे को भाई, इसमें 6 स्पीड का गेयरबॉक्स दे दिया। सबसे बड़ी मेन चीज़ मेरे को ये लगी कि 6 स्पीड का गेयरबॉक्स भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी रहने वाली है इसकी फील। और साथ ही यहाँ पे आपको ये जो पूरा पैनल है ना भाई, ये भी अपना पूरा का पूरा ऑल ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा, मतलब पूरा पैनल ही ऑल ब्लैक कलर में। और साथ ही ये जो अपनी रेड व्हाइट और ब्लैक कलर की जो स्टिचिंग है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए लगती है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको ये वाली गाड़ी कैसी लगी। सबसे मेन चीज़ भाई रेसर एडिशन में भी टाटा ने जो है ना दो ही डिस्क ब्रेक आपको प्रोवाइड करे हैं, और अगर रियर साइड में यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ड्रम ब्रेक से प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। और इसमें मेनली क्या है जो इसका स्पॉइलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकाला हुआ है, ठीक है। और टेल लैम्प इसमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब जो रेसिंग के स्टीकर है ना भाई वो आपको रूफ में भी देखने के लिए मिलते हैं, वो देखो। और साथ ही इसमें आपको जो है ना कि अपनी सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाती है इस वाले में। और जो अपना ORVM है भाई वो लेकिन नॉर्मल ही देखने के लिए मिलता है अपना, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टेबल है भाई, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ORVM में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा आपको, रेन सेंसिंग वाइपर भी इसमें शायद आपको देखने के लिए मिल जाए। अभी देखते हैं कि क्या क्या टाटा इसमें रिवील तो कर नहीं दिया भाई कुछ भी, बस केवल एक गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे, ठीक है। आपको मोटा मोटा हिंट मिल गया, तो ऐसी भी कोई गाड़ी आने वाली है तो भाई कैसी कितनी प्राइसिंग रेंज जाएगी क्या रहने वाला है तो वो तो अभी पता चली नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में बताना भाई। इतना कुछ निकला हुआ है ना इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको टोइंग देखने के लिए मिल जाता है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है, ठीक है। जो कॉस्मेटिक लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, तो इसमें बताना मेरे कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। उससे पहले छोटी सी वीडियो चल रही है यहाँ पर, वो देख सकते हो आप। देखो एयर प्योरीफायर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसी के साथ वॉइस एक्टिवेट, मतलब वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ ऐसा कुछ इसमें आपको लुक देखने के लिए मिल जाएगा भाई, काफ़ी बेहतरीन लग रही है रेसर एडिशन, मतलब बढ़िया लुक आ रहा है नहीं। बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसे लगे आपको वीडियो। चलेगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर एंड बाय बाय।